हे गाइस, वेलकम टू आ न्यू वीडियो। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए दिवाली फायरवर्क्स स्टैश 4। तो ये चौथा पार्ट है। मैंने एक और दुकान आज मार्केट गया और मैंने कई और दुकानें एक्सप्लोर करी और उसके बाद मैंने कुछ और पटाखे लिए हैं। सो जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। जो आप, चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया है और कितने का लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हमने लिया है ये मेरा फेवरेट पंच अवतार, जो कि पेंटा भी बोला जाता है, पेंटा स्काई शॉर्ट्स के नाम से आता है, कॉक ब्रांड का। दूसरे ब्रांड इसको पेंटा मिसाइल और पेंटा टॉप 5 कहके बेचते हैं। सो मुझे आज ये मिला पंच अवतार कॉरोनेशन ब्रांड का, जो कि एक मिनी स्काई शॉर्ट्स है जो 5 स्काई शॉर्ट्स की पैकिंग में आता है। तो दोस्तों, इसकी एमआरपी की बात करी जाए तो ये इस पे 490 रुपीज लिखा हुआ है और ये रिसेंटली सेप्टेम्बर 2020 का मैन्युफैक्चर्ड है। इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो इस पर 490 लिखा, जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक पैकेट रिटेल में 160 से 200 का पड़ रहा है। मैंने शॉप ओनर से बात करी और ये हमने 10 पैकेट लिए हैं तो ये हमें 150 के पड़े हैं। और मैं अगर टोटल अपने जितना मैंने स्पेंडिंग करी उसमें से देखो, उसके हिसाब से देखो, तो शायद मुझे 125 का भी पड़ा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, सर इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है 150 है। इसके मैंने लिए हैं 1, 2, 3 नहीं 10 पैकेट। इसके बाद हमने लिया है दोस्तों आजाद कारवर्क्स का कलर कॉकटेल, जो कि ये भी एक ग्रीन क्रैकर है और इसकी एमआरपी की बात करी जाए तो ये है समवेयर अराउंड 860 का और ये जून 2020 में मैन्युफैक्चर्ड है। ये मुझे पड़ा 250 रुपीज का। इसके बाद आजाद फायरवर्क्स का ही थोड़ा बड़ा स्काई शॉर्ट सेल, इसका नाम है गोल्डन गैलेक्सी और इसकी एमआरपी की बात करी जाए तो ये है 820 का और ये हमें समवेयर अराउंड 300 रुपीज का पड़ा है। ये भी काफी अच्छा है एज पर द शॉप ओनर। जब इसके हम टेस्टिंग करेंगे तभी हमें पता लगेगा कैसा चलेगा। उसके बाद दोस्तों, एक और मिनी स्काई शॉर्ट सेल है, मैंने लिया ये फॉर टेस्टिंग पर्पज स्टार नाइट। ये आपने कई जगह देखा होगा, ये 5 पीस की पैकिंग है, ये मिनी स्काई शॉर्ट सेल है, थोड़े छोटे होंगे कॉरोनेशन से और जो आजाद फायरवर्क्स के पेंटा मिसाइल्स आते हैं उनसे भी थोड़े छोटे होंगे। इनका भी छोटा एक स्मॉल कलर इफेक्ट आता है और इसकी एमआरपी की बात करी जाए दोस्तों तो ये है 576 का और ये हमें 150 रुपीज़ का पड़ा है 150। इसके बाद दोस्तों, ये एक मैंने कॉरोनेशन का मिनी सुपर बुलेट लिया है। मेरे पास बुलेट नहीं थे, मेरे पास एक और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि लोकल ब्रांड का बुलेट है, उसकी टेस्टिंग कंपेरिजन करेंगे इसके साथ। सो ये है हमारा 189 इसकी एमआरपी है 10 पीसेस की और ये रिसेंटली सेप्टेम्बर 2020 का पैकेज है और ये हमें पड़ा है 70 रुपीज़ में। एक हमने हमारे स्टैश में एक चीज़ मिसिंग थी, हमारे पास विनायका का पिछली बम है बट मैंने एक डक ब्रांड का भी लिया है। सो दिस कॉस्ट अस अराउंड 50 रुपीज़, इसकी एमआरपी 125 है, तो 100 पीसेस के लिए 50 रुपीज़ का हमें पड़ा। द लास्ट वन इज आर रॉकेट, इस कॉरोनेशन नवरंग रॉकेट, ये भी रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड है अगर हम देखें तो सेप्टेम्बर 2020, एमआरपी 71 और ये हमें 250 रुपीज़ का पड़ा। और ये है मेरा पार्ट 4 ऑफ दिवाली 2020 स्टैश। जल्द ही हम एक कोलैबोरेटिव वीडियो करेंगे अपने सारे जो स्टैश उनको कंबाइन करके, कोशिश करूंगा एक और स्टैश लेके आऊँ आपके लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आप किस चीज़ की टेस्टिंग देखना चाहते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।